Hello, good morning, India. फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास नहीं हो पाई, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से अभी भी थोड़ा बहुत फीवर सा लग रहा है। तो एक घंटे की क्लास लेने के लिए अप्रोक्सीमेट मैं आपके सामने आ गया हूँ। थोड़ा सा DFCCIL का आज सभी लोगों का पेपर हुआ है, मैं पूछना चाहूँगा DFCCIL का पेपर कैसा हुआ। तो सभी लोग पहले फटाफट बताइए कि DFCCIL का पेपर कैसा हुआ, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं। मशीन की क्लास नहीं हुई उसके लिए सॉरी आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट वीक में क्लास होगी, मैं आपसे वादा करता हूं। एक्चुअली कल मैं सुबह आया हूं और कल से लेकर लगातार मैं क्लास लेते ही जा रहा हूं। बॉडी साथ नहीं दे रही है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। मेजरमेंट की क्लास लेने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूँ, आपका नुकसान न होने पाए, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो कंबाइंड है उनका जो कंबाइंड सब्जेक्ट है, मैं चाहता था कि एक सब्जेक्ट जो हो सके जो बेटर है वो साथ में हो जाए। तो कैसे हैं आप सभी लोग, फटाफट बताइए। पहला दिन है, स्वागत है आपका। हरेंद्र यादव, धर्मेंद्र बुंदेल जी कह रहे हैं बिल्कुल बेकार। क्या बेकार हो गया धर्मेंद्र बुंदेल जी? तो आ जाइए सभी लोग फटाफट। DFCCIL का पेपर कैसा गया आप सभी लोगों का? कुछ लोग के अच्छा DFCCIL का पेपर बेकार गया है, हरेंद्र जी का कहना है। तो क्या हो गया हरेंद्र जी, क्या बेकार चला गया आज का पेपर? मैंने सुनने में आया है कि पेपर अच्छा आया था, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ही आसान आए थे और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी ठीक ठाक आए थे। चलिए, सिलेबस में से कुछ नहीं आया, इकोनॉमिक्स दे दी धर्मेंद्र बुंदेल जी। आई एम आस्किंग अबाउट टेक्निकल, ठीक है, तो टेक्निकल के बारे में जानना चाहता हूँ। मेजरमेंट बिगड़ गया उमेश भोई जी का, ठीक है, मेजरमेंट इतना पढ़ाया भी नहीं था इसीलिए बिगड़ गया होगा। मेजरमेंट अगर मैंने पढ़ा दिया होता, पहले से हो गया होता तो शायद पेपर अच्छा जाता। UP SSSC का सिलेबस अभी सर कुछ आया नहीं UP SSSC का, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या सिलेबस है। KVS के लिए भी स्टार्ट कर दूं, ओके, प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। पंकज कुमार, बेसिक इलेक्ट्रिकल से मेरे हिसाब से लगभग 24 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछे गए थे DFCCIL में 24 क्वेश्चन आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछे गए थे, 24 बेसिक इलेक्ट्रिकल, 24 क्वेश्चन आपके मशीन से थे, मशीन से 24 क्वेश्चन थे, सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे यार। 24 क्वेश्चन जो मशीन से थे वो सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे ऐसा पता चला है। और बेसिक इलेक्ट और इसके बाद लगभग 18 क्वेश्चन आपके मेजरमेंट से थे, मेजरमेंट से आपके 18 क्वेश्चन थे, और आपका इस तरीके से करके और आपका लगभग 12 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन थे, कंट्रोल सिस्टम से थे, मटेरियल साइंस से थे, मटेरियल साइंस से भी क्वेश्चन थे, और रेस्ट कुछ बचा हुआ था जिसमें कंट्रोल सिस्टम भी था और मटेरियल साइंस भी पूछा गया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी एक आध क्वेश्चन रेस्ट में ही पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ईजी था जैसा कि सुनने में आ रहा है। अमन यादव, फर्स्ट डे, स्वागत है आपका। बेसिक आपने बताया वही आया, जी हाँ धर्मेंद्र बुंदेल जी, जैसा मैंने बताया था बेसिक इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जैसा मैंने बोला था उस क्वेश्चन में, कई क्वेश्चंस में उसने ऐसा बोला था कि यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, बट ऐसा कुछ करना ही नहीं था। सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आप नहीं भी लगाते तो शायद उसका आंसर आ जाना था, जैसे कि शायद अगर मैं वहाँ पर डिस्क्राइब करूँ तो एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे किसी से पता चला है, इस रेजिस्टेंस दे रखा था यहाँ पर और एक करंट वैल्यू दे रखी थी 5 एम्पियर की,
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा था और यहाँ पर एक ओम का रेजिस्टेंस दे रखा था, यहाँ दो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा था, इसके अक्रॉस वी नॉट बोला था, इसके अक्रॉस वी नॉट, और यहाँ बैटरी दे रखी थी, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस था और यहाँ अप्रॉक्सिमेट 20 वोल्ट का था, इसके अक्रॉस वी नॉट निकालना था यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये क्वेश्चन सभी लोगों को याद आ रहा होगा, जितने लोगों ने आज पेपर दिया है ये क्वेश्चन शायद याद आ रहा होगा अगर आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन में वी नॉट निकालना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन एक बार बता भी चुका हूं कि सिंपल आप केवीएल लगा दीजिए, 20 माइनस में 5i माइनस में i प्लस 5 माइनस में 5, एक्चुअली ये भी 5 था, सॉरी 5 नहीं ये 1 ही था, ये 1 ही था और ये 4 ओम था, ये 2 ओम 3 ओम था और ये 2 ओम था, ठीक है ये था, तो 5i प्लस 5 हो जाना था, i प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 20 माइनस में 10i माइनस में 25 इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू आ रहा होगा 1/2 एम्पियर माइनस में, यानी माइनस में 0.5 एम्पियर, अप्रॉक्सीमेटली कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था जहाँ तक देखने को मिला। और इसमें ये बहुत ही आसान था, जब एक बार i आ गया आपको तो आपको पता है कि इसमें करंट आ रहा है i प्लस 5, उसमें से माइनस कर दीजिए इस i को माइनस करने के बाद यहाँ पर टोटल करंट मिल जाएगी और इस करंट को इस रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको v नॉट पता चल जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं करना था, तो याद आ रहा होगा शायद, ठीक है। कई लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिला या नहीं मिला पहले बताओ फटाफट, सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखने को मिला या नहीं मिला, स्वागत है आपका अंबुज जी, अंबुज अलवेता जी स्वागत है आपका, आज आपका पहला दिन है तो ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख लो, कि आप सभी लोगों को दिखता होगा कि जो मैं बताया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल में और वही आपका लगभग एग्जामिनेशन में, मशीन का भी मैं एक क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा, इंडक्शन मोटर का एक क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा, सभी लोग फटाफट यहाँ आंसर दीजिए, फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अपने मेजरमेंट की तरफ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर स्लिप 4% है, स्लिप अगर 4% है, यहाँ पर 4% है यानी 0.04 स्लिप है, तो और आपका पावर इनपुट पीजी रोटर इनपुट दे रखा था 1000 वॉट, रोटर इनपुट 1000 वॉट दे रखा था, डेवलप्ड पावर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। ऑप्शन में था 9600 वॉट, आई 9600 वॉट, सेकंड ऑप्शन इज 96 वॉट, थर्ड ऑप्शन इज 960 वॉट एंड फोर्थ ऑप्शन इज 9.6 वॉट, इस तरीके से क्वेश्चन था, तो आप फटाफट इसका डेवलप्ड पावर का आंसर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करवाएं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करवाने का कोई फायदा नहीं है ज्योति जी, देखो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर आप जेई का पेपर दे रहे हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर था जैसा कि, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पर फोकस करें तो आपका काम बन सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं पूछा जा रहा है, अगर आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस करेंगे आप न्यूमेरिकल खुद ब खुद आसानी से लगा पाएंगे, तो पहले फटाफट इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज स्लिप, मैंने बोला है कि स्लिप 4% है, स्लिप आपका लिखा हुआ है 0.04, स्लिप आपका लिखा हुआ है 0.04, स्लिप आपका लिखा हुआ है 0.04, 4% स्लिप है, बिल्कुल करेक्ट, अंबुज अलवेला जी ने आंसर दिया 960, राहुल यादव ने भी आंसर दिया 960, मैं इस क्वेश्चन को पहले भी एक बार सॉल्व करा चुका हूँ, है कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी एक बार सॉल्व करा चुका हूं, डेवलप्ड पावर आपका है 1 माइनस SPG, कल ही बताया था मैंने 1 माइनस SPG, 1 माइनस में 0.04 मल्टीप्लाई बाई 1000, कुछ भी नहीं करना था इसमें, 0.96 मल्टीप्लाई बाई 1000 और जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 960 वॉट आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर 960 वॉट है, ये क्वेश्चन आपका आया होगा, ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे आया यहाँ पर डेवलप्ड पावर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इंडक्शन मोटर में क्वेश्चन पूछा गया था कोर को लेमिनेट किस लिए करते हैं, सॉरी इंडक्शन मोटर में नहीं, मशीन में ही पूछा गया था कि कोर को लेमिनेशन किस लिए करते हैं, स्ट्रे लॉसेज में कौन कौन से लॉसेज आते हैं, स्ट्रे लॉसेज में कौन कौन से लॉसेज आते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था आयरन प्लस मैकेनिकल लॉसेज आपकी स्ट्रे लॉसेज के अंतर्गत आते हैं, कॉपर लॉसेज, बाकी कई सारे ऑप्शन थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, जितने लोग DFCCIL का पेपर आज दे के आ रहे हैं अगर उनको यहाँ पर या कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो तो यहाँ पर डिस्कस कीजिए, बताइए फटाफट, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ALP इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बता दूं, अंबुज वेला बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है,
तो वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहो बस, जो जो मैं कराऊँ उसको नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स बनाने से आपका क्या होगा कि आपका फ्यूचर में वो नोट्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, किताब आप लोग सब लोग अपने सामने रखिए, जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है अपनी डिप्लोमा वाली किताब अपने सामने रखिए, ठीक है। और जी बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, मुझे पता है क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए थे। चलिए वेरी गुड, तरुण कुमार जी का कहना है पूरा पढ़ाया हुआ आया था, तो पता है मुझे। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट एनालिसिस में मेजरमेंट कर रहे थे, मेजरमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। पहले फटाफट बता दो स्टूडेंट्स की कैसा गया आप लोगों का पेपर, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। मेरा सर आप जी एक बार पहले से कल की क्लास देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। डमी कॉयल, जी हाँ बिल्कुल, दीक्षा कुमावत जी ने कहा डमी कॉयल का एक क्वेश्चन आया था। डमी कॉयल इज यूज्ड फॉर, मैंने बता चुका था कि मैकेनिकल बैलेंस के लिए करते हैं डमी कॉयल, ठीक है। और स्टूडेंट जब तक आ जाते हैं, भानु प्रताप यादव जीडी की क्लास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहां पर, जी हाँ। नेटवर्क एनालिसिस तरुण कुमार मैंने बताया था, अच्छा नेटवर्क एनालिसिस में बहुत इजी इजी से क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये इस तरीके से एक नेटवर्क दिया था यहाँ पर एरो करके, और आपसे यहाँ पर वोल्टेज दे दिया 12 वोल्ट, और यहाँ पर वोल्टेज दे दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम का, इसमें करंट दे दिया 3 एम्पियर का, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम का, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम का। पूछा गया था इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताओ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला या नहीं मिला, फटाफट बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला या नहीं, सभी लोगों को पता चल गया होगा यहां पर। मशीन बहुत इजी था, जी हाँ। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला या नहीं मिला, 12 वोल्ट था वो, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना था, 3 ओम के क्रॉस 3 एम्पियर करंट दे दिए उसने, ठीक है, और यहां पर 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो बताओ फटाफट क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट डे है, स्वागत है आपका। आदित्य राज जी का कहना, जी हाँ, नहीं नहीं मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है। अंगद यादव कहना क्या गलत सही पढ़ा रहे सर, जी हाँ बिल्कुल सही। पेपर इजी भी नहीं था, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक है। बेसिक अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो बहुत जल्दी बहुत इजी सॉल्व हो सकता था पेपर, तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, कुछ कुछ क्वेश्चन डाले गए थे कंफ्यूजिंग। अब देखो यहां पर कैसे निकालना है, 3 ओम के क्रॉस 3 एम्पियर का करंट दे दिया, तो आपको पता है कि ड्रॉप कितना हो गया, इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो इसके क्रॉस करंट हो गई 4.5 एम्पियर की, टोटल करंट हो गई यहां पर 7.5 एम्पियर की, 7.5 एम्पियर करंट हो गया, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा 15 वोल्ट, 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप पूछा जाएगा तो हो जाएगा 15 वोल्ट। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पैरेलल में है अगर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर करंट है, तो टोटल ड्रॉप हो गया 9 वोल्ट, है ना, V बराबर IR 9 वोल्ट हो गया, 9 वोल्ट इसके क्रॉस भी ड्रॉप हो जाएगा, करंट निकल जाएगी I बराबर V बाय R से, इसके क्रॉस करंट निकल जाएगी 4.5 एम्पियर, टोटल करंट हो गई 4.5 + 3 7.5 एम्पियर, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया 15 वोल्ट, ठीक है। बहुत ही आसान था अंगद यादव, देखो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बोला गया था कि 3 ओम के अक्रॉस 3 एम्पियर का करंट है, टोटल ड्रॉप हो गया 9 वोल्ट, 9 वोल्ट पैरेलल में है तो 9 वोल्ट ये आ गया, 4.5 एम्पियर का ड्रॉप, इसके 4.5 एम्पियर का करंट निकल आया, टोटल करंट यहां पर आ जाएगी 7.5 एम्पियर, आपको इसके क्रॉस ड्रॉप बोला था तो वी नॉट बराबर IR लगा दो, 15 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, जी हाँ मॉडरेट था। नहीं ये फर्स्ट ग्रेड की लाइव क्लास नहीं चल रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे इस तरीके के, ठीक है, चलो वेरी गुड। अगर किसी का आंसर की आता है, जिस दिन DFCCIL के इस पेपर का आंसर की आएगा मैं उस दिन पूरा एनालिसिस करूंगा आप लोग का, ठीक है। DFCCIL का जिस दिन इस पेपर का आंसर की आएगा मैं उस दिन पूरा एनालिसिस करूंगा इस पेपर का, आप लोग घबराइए मत, और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसका, ठीक है।
एक सेपरेट सेक्शन ही रखूंगा इसके लिए, तो आप लोग घबराइए मत. क्लियर? ओके, चलो देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग पढ़ेंगे कि डैम्पिंग मेथड्स. तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि हम लोग क्या मेजरमेंट करने वाले हैं, कौन कौन सा प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं. सबसे पहले उसको देख लेते हैं एक बार. तो देखिए हम लोगों को क्वांटिटी क्या क्या मेजर करनी है. क्वांटिटी मेजर्ड यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा. सबसे पहले अपने कॉपी में लिखिए क्वांटिटी मेजर्ड कौन कौन से प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं. क्वांटिटी मेजर्ड, तो सबसे पहले क्वांटिटी मेजर्ड है एक सेक्शन जिसके लिए हमें क्या क्या मेजर करना है. करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, पावर फैक्टर मेजर करना है, पावर मेजर करना है. ठीक है, क्या क्या मेजर करना है हम लोगों को. पावर, पावर फैक्टर और यहाँ पर एनर्जी मेजर करना है. एनर्जी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. पावर, पावर मेजर करने के लिए इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया था. ठीक है, तो एनर्जी मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है. क्वेश्चन में पूछा गया था कि पावर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किए जाते हैं. ये क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद. इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किए जाते हैं. तो ये इंस्ट्रूमेंट एज अ बेस इंस्ट्रूमेंट और भी यूज किए जाते हैं और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सॉरी इंडिकेटिंग नहीं, एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल. कौन कौन से प्रिंसिपल यूज करने हैं हमको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, इंडक्शन प्रिंसिपल, इंडक्शन प्रिंसिपल और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मल, थर्मल एंड हॉल इफेक्ट. तो हॉल इफेक्ट, ये सारे प्रिंसिपल आप लोगों को, ये सारे प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन है आपका कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है. तो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ आज पता चल जाएगा. रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, रिप्रेजेंट करना है अगर तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है. इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग ये बना लोगे आपको आप पता चल जाएगा. इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं आपके. वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर, वॉट मीटर, ये सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है. वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर. ठीक है, और वो इंडिकेट, वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर. और इसके बाद आपका इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल यूज किया जाता है. इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग में क्या हो जाएगा आपका एनर्जी मीटर. सो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका एनर्जी मीटर कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है. एनर्जी इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं. वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा वोल्ट मीटर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. वोल्ट मीटर कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है. इंडिकेटिंग है, इंटीग्रेटिंग है ना, नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट है या नन ऑफ देम हो. तो आपका वोल्ट मीटर आपका किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है. इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है. इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. एनर्जी मीटर. आपका ये क्वेश्चन भी आज आया हुआ था DFCCIL में. इंटीग्रेटिंग टाइप है इन एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना. एम्पियर आर मीटर भी बोलते हैं इसी को. एम्पियर आर मीटर, एम्पियर आर, सॉरी वाट आर मीटर. किलो वाट आर में एनर्जी मेजर करते हैं, किलो वाट आर में एनर्जी मेजर करते हैं. और एक क्वेश्चन भी था जिसमें आपको एनर्जी मेजर करनी थी, एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एनर्जी मेजर करनी थी. ठीक है, एक हो गया ये. और थर्ड वन, थर्ड वन इज नल डिटेक्टर, नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट, नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट. सो नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं. नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर इज नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट. ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से मैं बता रहा हूं यहां पर. पोटेंशियोमीटर इज अ नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट. पोटेंशियोमीटर इज अ नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन नल डिटेक्टर के बाद अगला है आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. सो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है बताओ. पोटेंशियोमेट्रिक और गैल्वेनोमेट्रिक रिकॉर्डर दिख रहा है ना सभी लोगों को. तो यहां पर लिखूंगा मैं पोटेंशियोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक एंड गैल्वेनोमेट्रिक, गैल्वेनोमेट्रिक, गैल्वेनो, गैल्वेनोमेट्रिक. ये सारा आपका कौन सा है. गैल्वेनोमेट्रिक रिकॉर्डर, ये आपके रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है. रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर और गैल्वेनोमेट्रिक रिकॉर्डर. तो ये आपके किस में आ जाते हैं. रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं. ये सभी लोग पहले फटाफट टेबल बना लीजिए, सभी लोग फटाफट टेबल बना लीजिए. ठीक है, हिंदी में ही बता रहा हूँ राघवेंद्र सिंह जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
आशीष पांडे, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, आपकी काफी सारी क्लासेस मिस हो गई हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप प्रीवियस पेशेंस के साथ इनिशियल से स्टार्ट करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो अगर आप स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो चाहे मशीन हो, एक एक सब्जेक्ट आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा। ठीक है, पेशेंस रखना होता है, बस यही बोलूंगा कि जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, चलिए। तो पोटेंशियोमीट्रिक क्या, पोटेंशियोमीटर क्या है? एक नल डिटेक्टर टाइम इंस्ट्रूमेंट है। प्रथम भाटिया जो भी हैं, ज्योति प्रिया से मत पूछो, मेरे से पूछो। तो ये सभी लोगों ने बना लिया। फ्रीक्वेंसी मीटर से मेजर करते हैं, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए विंस ब्रिज का भी यूज करते हैं। आज के DFCCIL के पेपर में आप लोगों को पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज कौन सा है। ऑप्शन में दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन में दिया था मैक्सवेल ब्रिज, ऑप्शन में दिया था विंस ब्रिज। ठीक है, याद होगा जिसने पेपर दिया है। तो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है विंस ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजर करता है ना, तो बताया गया होगा उसमें फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज, याद आ गया हो सभी लोगों को। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना टाइप्स ऑफ टॉर्क के तरफ। सो फर्स्ट हेडिंग, अब हम यहां से अच्छे से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ टॉर्क। कितने टाइप के टॉर्क होते हैं? पहला है आपका डैम्पिंग टॉर्क, फर्स्ट वन इज डैम्पिंग टॉर्क। सेकेंड वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और थर्ड वन इज कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग, डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। आप सभी लोगों को आगे एक चीज मैं बता दूं यहां पर मेजरमेंट में, कि क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपको सभी में यहां पर आने वाले इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे वो PMMC हो चाहे वो मूविंग आयरन हो, हम सभी जानते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है जिस क्वांटिटी को मेजर करना है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। यहां पर मैं इसको आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का पूरा आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कंट्रोलिंग टॉर्क, तो मशीन ही दिमाग में घुस गया है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क ये वो है कि अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सपोज पॉइंटर आपका 5 एम्पियर, आपने 0 एम्पियर पे पहले से ही है, अगर आपने उसे 5 एम्पियर पे भेजा तो कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से वो 5 एम्पियर पर जाता है, 5 एम्पियर पर जाएगा, बट स्टेबल नहीं होगा जब तक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में बराबर नहीं हो जाते। जब बराबर हो जाएंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, दोनों जहां पर बराबर हो जाएंगे वो पॉइंटर वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो पॉइंटर रुकता किस वजह से है? पॉइंटर रुकता है कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से रुकता है? कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से। आपका 0 से लेके 5 तक गया, 5 एम्पियर अगर आपने सपोज करो मेजर करना है किसी मीटर से, 5 एम्पियर तक गया आपका पॉइंटर, तो 5 एम्पियर पर जाएगा कैसे? किसकी वजह से? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। और 5 एम्पियर पर बैलेंस कब होगा? 5 एम्पियर पर बैलेंस होगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जब दोनों बराबर में आ जाएंगे तब। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां पर जो मैं बोल रहा हूं। कमेंट, देखो आप डैम्पिंग टॉर्क के कई सारे टाइप हैं। कौन कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? डैम्पिंग टॉर्क होता है कि जिसके वजह से आपका पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। डैम्पिंग टॉर्क कितने टाइप की डैम्पिंग है? पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फर्स्ट वन इज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। सो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहां पे यूज की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आपकी यूज की जाती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपकी
कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है आपकी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। सभी लोग पहले अपनी अपनी कॉपी में ये बना लीजिए, कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है मूविंग आयरन इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है किसमें, मूविंग आयरन में और इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। सभी लोगों को ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला होगा, सभी लोगों को ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिला होगा, है कि नहीं। पूछा गया था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सॉरी इलेक्ट्रो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस में यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका ऑप्शन में था मूविंग आयरन पीएमएमसी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, क्वेश्चन देखने को मिला था या नहीं पहले बताओ फटाफट। जी हाँ, पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग, ये क्वेश्चन देखने को मिला था। हाँ जी बिल्कुल आया था। श्वेता कुमारी जी देखो यहां पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कैसे कैसे होती है, मैं फिगर बना रहा हूं, देखिएगा ये आपका स्केल है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कैसे यूज की जाती है, ठीक है देखना। ये फिगर बना रहा हूं, ये आपकी स्केल है, दिस इज स्केल। आज थोड़ा सा देखो पॉइंटर कैसे रुकेगा, सपोज करो कि आपने 0 एम्पियर पे था, आपने 1 एम्पियर करंट दिया, 1 एम्पियर करंट के पास जाएगा और उसके बाद ये 5 एम्पियर उसकी फुल स्केल वैल्यू है, ये आपका पॉइंटर है, ध्यान से देखते रहना, ये पॉइंटर है, ये स्केल है। पॉइंटर किसका बना होता है, पॉइंटर बना होता है एल्युमिनियम का, ठीक है। 1 एम्पियर पे था, सपोज करो 0 एम्पियर पे था या 1 एम्पियर पे था, अगर आपने करंट जो की वैल्यू को ज्यादा बढ़ाया तो जब पॉइंटर आपका यहां पे आएगा कहां पर 3 एम्पियर पे आएगा, जब करंट की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो ये किधर जाएगा, ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो आपका जो नीचे आपका ये देख रहे हो, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वेन, दिस इज वेन, ठीक है ये वेन है आपकी। तो वेन आपकी क्या इधर, जब ये ऐसे है, जब आपने 3 एम्पियर दिया तो ये पॉइंटर इधर चला जाएगा और आपकी वेन इधर आ जाएगी ना, वेन इधर आ जाएगी। तो देखो ये आपका फोर्स लगाएगा कहां पर, चेंबर में, दिस इज ग्लास चेंबर, दिस इज ग्लास चेंबर, ये ग्लास चेंबर है। तो जब ये यहां पर एयर फोर्स लगाएगा इधर, तो ये वापस ग्लास चेंबर से वापस एयर जो है वो फोर्स लगाएगी कहां पर, इधर की तरफ, इधर फोर्स लगाएगी तो आपका पॉइंटर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कितने एम्पियर पर, 3 एम्पियर पर स्टेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, इस तरीके का उस इंस्ट्रूमेंट में आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज हो रही है, यानी फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, एयर की वजह से लग रहा है। यहां पर वेन जो है आपका वो वैक्यूम में है, ठीक है, जैसे ही आपने सॉरी अंदर आपका हवा है तो अगर उसमें फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है, एयर की वजह से लग रहा है, एयर ही आपका पॉइंटर 3 एम्पियर पर जाकर स्टेबल करेगा। जब ये वेन इधर आएगा, वेन इधर आने के बाद फोर्स लगेगा इधर से इधर का एयर की तरफ, तो ये आपका वेन ऐसे ऐसे मूव करेगी, मूव करेगा तो आपका पॉइंटर भी मूव करेगा और पॉइंटर मूव करेगा तो एक टाइम के बाद 3 एम्पियर पर जाकर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होती है तो उसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। डैम्पिंग का मतलब ये है, डैम्पिंग का मतलब ये है कि जो ऑसिलेशंस को रोक दे। डैम्पर क्यों लगाया जाता है, डैम्पिंग मेथड्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि वो ऑसिलेशंस, होने वाले ऑसिलेशंस को रोक दे। तो कहने का मतलब है कि अगर पॉइंटर 3 एम्पियर पे आगे, आपने 0 एम्पियर पे था, आपने 3 एम्पियर दिया, तो जो 0 एम्पियर से जाके 3 एम्पियर पे जाके जो स्टेबल होगा वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की वजह से, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग अगर आप यूज करेंगे वहां पर, तो वहां पर 3 एम्पियर पे जाकर वो क्या करेगा, ऑसिलेशन को प्रिवेंट कर देगा और आपको रोक देगा। तो कौन सी डैम्पिंग यूज की गई, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की गई। इसी तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी यूज की जाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नो जेवल बियरिंग इज नॉट यूज्ड इन दिस, धर्मेंद्र बुंदेल, जेवल बियरिंग यूज्ड इन पीएमएमसी,
जेवल बियरिंग यूज किया जाता है वियर एंड टीयर लॉसेस को, यानी मेंटेनेंस को, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए, वियर एंड टीयर लॉसेस को कम करने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, जेवल बियरिंग्स यूज की जाती है। मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो था आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और कहां पर यूज और कैसे हो सकती है, देखो यहां पर इस तरीके से सपोज करो कि एक ग्लास चेंबर है आपका, दिस इज अ चेंबर, ग्लास चेंबर। इस ग्लास चेंबर में आपका पिस्टन लगा हुआ है, ग्लास चेंबर में ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है और इस पिस्टन से आपका पॉइंटर का वेन कनेक्टेड है, ठीक है। ये इससे आपका क्या कनेक्टेड है, पॉइंटर का वेन कनेक्टेड है, हाँ ये। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने 1 एम्पियर पे था और आपने 2 एम्पियर मेजर करना है या 3 एम्पियर मेजर करना है, 1 एम्पियर मेजर करना है, 2 एम्पियर मेजर करना है, तो जब आपका इधर से इधर लेके आओगे तो ये मूव करेगा, पिस्टन किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एयर आपका फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो पिस्टन आपका फोर्स लगाएगा, सॉरी एयर आपका फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ और ये ऑसिलेट होगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा और पॉइंटर एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाएगा जितना भी करंट आपको मेजर करना है। तो इसमें कौन सी डैम्पिंग यूज की गई, इसमें भी आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की गई। एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंटर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज होता है, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। स्टॉप ऑसिलेशन, बिल्कुल करेक्ट, ऑसिलेशन को स्टॉप करता है ये, ठीक है। क्लियर, सभी लोगों को क्लियर है या नहीं। चलो नेक्स्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। वही बगल वाली, हाँ देखो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आपके स्क्रीन पर लगने वाला है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका लगने वाला है, आप इसके फिगर को देखिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ यूज की जाती है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन पीएमएमसी। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इट इज यूज्ड इन पीएमएमसी। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड इन पीएमएमसी। ये पीएमएमसी में यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद यह सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्क टू वेट रेशियो मस्ट बी हायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्क टू वेट रेशियो जो है आपको बहुत ज्यादा रखना है यहां पर। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपका देखो वहां पर एयर यूज कर रहे थे फ्रिक्शन के लिए, यहां पर कोई फ्लूइड यूज करेंगे। फ्लूइड का मतलब कोई भी द्रव्य, ठीक है। उस द्रव्य को भरा जाएगा, उस द्रव्य में आपका वेन रखा होगा और पॉइंटर भी आपका उसी वेन से कनेक्टेड होगा। तो आपका फ्रिक्शन का काम कौन करेगा, यहां पर फ्रिक्शन का काम करेगा फ्लूइड। आपको टॉर्क टू वेट रेशियो हायर रखना है। टॉर्क टू वेट रेशियो हायर रखने के लिए आप क्या करोगे, वेट आप बहुत कम रखोगे। यानी पॉइंटर जो है वो हल्के मटेरियल का बना होगा। पॉइंटर जो है वो लाइट वेट मटेरियल का बना होगा। यानी कि किसका बना होगा, लाइट वेट का मतलब एल्यूमिनियम का बना होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट बताओ। पंकज प्रजापति, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपको पढ़ाऊं आप लोगों को कि फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूं, ठीक है। पंकज प्रजापति आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाना बेकार है,
क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, आपको पता नहीं है, बार बार मैं कल से रिपीट कर रहा हूँ कि सिविल की क्लास के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप बार बार पूछ ही क्यों रहे हैं? ठीक है, आप बार बार पूछ ही क्यों रहे हैं ये बताइए पहले। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज इन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग वेट अ मिनट इट इज यूज इन नॉट इट इज यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आई एम ऑल्सो कन्फ्यूजिंग मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। पीएमएमसी नहीं, पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है, पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स में, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुझे करेक्ट किया, सॉरी फॉर दैट। आपका पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है आपका, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर्स में, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर्स में। क्लियर, क्लियर सभी लोगों को? अब समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम क्या होगा? एल्यूमिनियम का पॉइंटर होगा सर, एल्यूमिनियम का पॉइंटर यूज किया जाएगा, लाइट वेट मटेरियल का पॉइंटर यूज किया जाता है ताकि उसका वेट कम हो, जब वेट कम होगा तो टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होगा, वेट कम होगा तो टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आपकी यूज की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर्स में, टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होना चाहिए, टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा कैसे होगा, जब आपका एल्यूमिनियम का पॉइंटर यूज करोगे, वेन और आपका पॉइंटर दोनों ही आपका एल्यूमिनियम का बना होगा तो वेट कम होगा, वेट कम होगा तो जिस प्रोपोर्शनल में आप क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, जिस प्रोपोर्शनल में आप क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं उसी प्रोपोर्शनल में बहुत जल्दी पॉइंटर आपका स्टेबल हो जाएगा उस क्वांटिटी पर। मैं यहां पर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का एक और फिगर बना देता हूं, सर इस फिगर को हटा दीजिएगा, आपके सामने जो फिगर दिख रहा है वो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही था, और एक और फिगर बना देता हूं, देखो बस ध्यान से, दिस इज जेवल बियरिंग, ये आपका जेवल बियरिंग यूज की जाती है, जेवल बियरिंग, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में फिगर बनाइए पहले, जेवल बियरिंग यूज की जाती है, यहां पर आपका ये आपका देख रहे हो कि फ्लूइड भरा हुआ है, मैं एक चैम्बर ले लेता हूं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड में आपका वेन रखा हुआ है, दिस इज वेन, ये आपका वेन है, दिस इज वेन, ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड इसी पे आपका पॉइंटर होता है, इस स्पिंडल से ही कनेक्टेड होता है आपका पॉइंटर, फिगर दिख रहा है आप लोगों को, इस स्पिंडल से ही कनेक्टेड होता है आपका पॉइंटर, इस ये आपका स्पिंडल है, स्पिंडल एस, इस फिगर को बना लो पहले, स्पिंडल एस, और कौन सी बेयरिंग यूज करते हैं, जेवल बियरिंग यूज करते हैं, जेवल बियरिंग, व्हाई यूज जेवल बियरिंग, जेवल बियरिंग क्यों यूज करते हैं, जेवल बियरिंग आर यूज टू रिड्यूस वियर एंड टियर लॉसेस, ये आपकी स्केल है एस, स्केल एस, ये आपका पॉइंटर है पी, सभी लोग पहले इस फिगर को बना लीजिए, ये है आपका पीएमएमसी का, ये है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का फिगर, यस बिल्कुल एक्यूरेसी इज हाई, जब आप टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा रखेंगे, टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा रखने से आपको एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी, टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा रखने से आपको एक्यूरेसी इंप्रूव्ड मिलेगी, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आ गया या नहीं, क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक, आज एक क्वेश्चन विमला प्रसाद बराय जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल का यूज कहां किया जाता है, आज ही डीएफसीसीएल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर के लिए यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज यूज्ड फॉर वोल्ट मीटर ओनली, नॉट फॉर वॉट मीटर, नॉट फॉर अमीटर, नॉट फॉर मल्टीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज यूज्ड ओनली फॉर वोल्ट मीटर, आज ही का एक क्वेश्चन था, क्लियर, सभी लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज यूज्ड ओनली फॉर वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज यूज्ड ओनली फॉर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल इज ओनली यूज्ड फॉर वोल्ट मीटर, सभी लोगों को आज के क्वेश्चन में मिला होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहां पे यूज करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं आपका कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर्स में, क्लियर, चलिए वेरी गुड। अब देखो इसके पॉइंट सुनो ध्यान से, इसके पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के पॉइंट सुनो, जेवल बियरिंग में आपको बता चुका हूं, जेवल बियरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस वियर एंड टियर लॉसेस, वियर एंड टियर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए जेवल बियरिंग्स का यूज किया जाता है, फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है स्पिंडल और बियरिंग के बीच में वो प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शनल एरर, ठीक है, स्पिंडल और बियरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है
वो फ्रिक्शनल एरर प्रोड्यूस करता है, और फ्रिक्शनल एरर प्रोड्यूस करने की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क टू वेट रेशियो है, टॉर्क टू वेट रेशियो, वो यहाँ पर हायर करते हैं। टॉर्क टू वेट रेशियो इज हायर टू इम्प्रूव, टॉर्क टू वेट रेशियो इज हायर टू इम्प्रूव वॉट, टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, टॉर्क टू वेट रेशियो आप हायर रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूविंग सिस्टम और स्पिंडर और पॉइंटर, जैसे कि ये बने होते हैं एल्यूमिनियम के या लो वेट के, जो लो वेट मटेरियल होता है उसका बना होता है। अगला पॉइंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग टॉर्क लो होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग टॉर्क लो होता है, वहां पर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। मैं एक बार पॉइंट लिख देता हूं, the instrument which has low operating torque uses fluid friction damping। तो सभी लोग इस पॉइंट को अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का लो ऑपरेटिंग टॉर्क होता है वहां पर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। क्लियर? फ्लूइड फ्रिक्शन समझ नहीं आ रहा अनिर्बान भरजी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका वो मेथड है, वह डैम्पिंग मेथड है जो पॉइंटर को ऑसिलेशन से रोकने के लिए फ्लूइड का इस्तेमाल करता है। पॉइंटर को ऑसिलेशन से रोकने के लिए यहाँ पर जो डैम्पिंग टॉर्क लग रहा है, वो डैम्पिंग टॉर्क फ्लूइड प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूँ, कोई द्रव्य भरा हुआ है अंदर, कोई ऑयल भरा हुआ है, वो आपका द्रव्य पॉइंटर को ऑसिलेशन से रोकने के लिए यूज किया जाता है। यानी डैम्पिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्लूइड प्रोवाइड करा रहा है। इससे पहले वाले मेथड में, यानी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में, पॉइंटर को ऑसिलेशन से रोकने के लिए जिस डैम्पिंग टॉर्क का यूज किया जा रहा था, वो आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग थी। यानी कि ऑसिलेशन से रोकने के लिए आपका एयर यूज की जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका दो। नेक्स्ट वन इज एडी करंट डैम्पिंग। सो एडी करंट डैम्पिंग इज यूज्ड इन पीएमएमसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडी करंट डैम्पिंग आपकी पीएमएमसी में यूज की जाती है। एडी करंट डैम्पिंग इज यूज्ड इन पीएमएमसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? क्लियर सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट, अब आपको सुनिए एडी करंट डैम्पिंग में यहां पर क्या होता है, कि जो एडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनो। इफ अ कोर और फॉर्मर, अगर आपका कोई कोर है, मान लीजिए ये कोई कोर है, इस कोर में या इस कोर को ही फॉर्मर बोलते हैं, इस कोर या फॉर्मर में अगर आपका कॉइल लिपटा हुआ है, ठीक है, आपने कॉइल लिपटा हुआ है, तो आपको पता है कि द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पीएमएमसी में मैं कल फिगर बनवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इफ अ कोर, ये आपकी कोर है, या हम इसे फॉर्मर भी बोलते हैं, कोर या फॉर्मर। इस कोर या फॉर्मर में आपका कॉइल बंधी होती है, ध्यान देना, मैं जैसे फिगर बना रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का कॉइल बंधी होती है जिसको आप सप्लाई देते हैं, यहां से वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा टॉर्क यूज करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं। अभी मैं डैम्पिंग समझा रहा हूं तो कंट्रोलिंग टॉर्क की बात नहीं करता हूं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इस कॉइल में। तो ये कॉइल है, इस कॉइल में ही आपका क्या है, पॉइंटर लगा हुआ है, और पॉइंटर आपका स्केल पे मेजर करके आपको वैल्यू दे देता है। ठीक है, देखो इधर, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट आई फ्लो हो रही है, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, and that force is proportional to the quantity to be measured, ये याद रखना है एडी करंट डैम्पिंग में। ठीक है, अगर किसी
अगर किसी कोर या फॉर्मर में कॉइल बंधी हुई है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो वह कॉइल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, और जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करती है वह फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाह रहे हो, जिसके जिस प्रोपोर्शन में आप क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हो। तो ये आपका पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का फिगर है, देख रहे हो आप, ये आपका पीएमएमसी का फिगर है, और पीएमएमसी में आपका एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। क्लियर, क्लियर सभी लोगों को? जी हाँ, एल्युमिनियम की कोर यूज करते हैं, कोर या फॉर्मर जो आप यूज करते हैं वो आप एल्युमिनियम की यूज करते हैं। पॉइंटर आपका एल्युमिनियम का बना होना चाहिए, पॉइंटर आपका एल्युमिनियम का बना होना चाहिए ताकि टॉर्क टू वेट रेशियो हायर हो, और टॉर्क टू वेट रेशियो हायर होने से आपका इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। दूसरी चीज, पीएमएमसी में कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीएमएमसी में स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं। कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं? स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं, यानी दो टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल होता है और स्प्रिंग कंट्रोल होता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है आपका पीएमएमसी में, और ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, ग्रेविटी कंट्रोल जो टॉर्क होता है वो आपका यूज किया जाता है जो हॉरिजॉन्टल रखे हुए होते हैं, यानी कि अगर ऐसे रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट है तो रखे हुए इंस्ट्रूमेंट में आपका कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करेंगे, सॉरी वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में, नॉट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मतलब मान लीजिए दीवार पे कोई वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो इस वोल्टमीटर आपका दीवार पे जो लगा हुआ है, जो मेजर कर रहा है, वहां पर जो यूज करोगे आप, वो यूज करोगे कौन सा, ग्रेविटी कंट्रोल। लेकिन हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टली रखे हुए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो रखे हुए किसी सरफेस पर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में आप स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? पीएमएमसी में एसी क्यों नहीं यूज करते ज्योति प्रिया जी? पीएमएमसी, अगर पीएमएमसी में अगर आप एसी देंगे, एसी सप्लाई देंगे, तो वह पॉइंटर तो जीरो के अक्रॉस वाइब्रेट करेगा। पीएमएमसी सिर्फ और सिर्फ एवरेज क्वांटिटी को मेजर करता है। पीएमएमसी इज यूज ओनली फॉर एवरेज क्वांटिटी, यानी डीसी वैल्यू को मेजर करता है। प्योरली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए उसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए अगर आपने पीएमएमसी दिया, पीएमएमसी में अगर आपने एसी दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वह एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो मेजर करेगी, यानी जीरो के अक्रॉस उसका पॉइंटर वाइब्रेट करेगा। दूसरी चीज, क्यों नहीं यूज करते हैं, देखो, अगर आपने यहां पर डीसी सप्लाई आपका मैग्नेट है, अगर आपने एसी दे दिया, तो एसी दे दिया तो दोनों आपका मूवेबल इन नेचर हो जाएंगे, दोनों फ्लक्स मूवेबल इन नेचर हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या होता है, क्या होता है, रिलेटिव मोशन चाहिए होता है, इसीलिए आपने एक बार डीसी दे दिया तो आप जो दूसरा दोगे तो आप वहां से जो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड होगा वो डीसी ही यूज होगा, एसी नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। क्लियर हो गया, सभी लोगों को? PMMC measures only for only DC, धर्मेंद्र बुंदेल, not used for AC, आप गलत हैं, ठीक है। PMMC is used only for DC, not for AC. PMMC is used only for DC, not for AC, ठीक है। अगर आपने PMMC से AC को पास कराया तो ये आपको PMMC से अगर आपने AC को पास कराया तो वह जीरो के अक्रॉस वाइब्रेट करेगा, और ये एक नंबर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलो फिर से मैं बता देता हूँ, एडी करंट डैम्पिंग कहाँ यूज की जाती है, पीएमएमसी में यूज की जाती है। कैसे काम करता है तो मैं आपको बता चुका हूँ। इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वह कॉइल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और वह फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, वह फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। पीएमसी वो प्रोपोर्शनल होता है, स्केल लीनियर होती है, ठीक है, वह फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ध्यान से सुनो, अगर किसी कोर या फॉर्मर में आपने कॉइल बांधा हुआ है, अगर किसी कोर या फॉर्मर में, यानी ये कोर है, अगर आपने इसमें कॉइल को बांधा हुआ है, तो कॉइल में करंट फ्लो होने के साथ साथ जैसे ही कॉइल आपका कोर या फॉर्मर से, जो कॉइल का फ्लक्स है वो फॉर्मर से लिंक करेगा, तो उस फॉर्मर में भी एक अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, वो फॉर्मर में भी अपना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी वो कोर या फॉर्मर भी आपका मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी एक डैम्पिंग प्रोड्यूस होगी जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है।
कोर या फॉर्मर में भी अपना एक फ्लक्स जनरेट होगा, किसके किसके लिंक करेगा ना, आपका कोर या फॉर्मर किसका है, कंडक्टिंग मटेरियल का है, कंडक्टिंग मटेरियल का है कोर या फॉर्मर। तो जब वो कॉइल उसके ऊपर बंधी हुई है, जो कॉइल उसके ऊपर बंधी हुई है, अगर उसमें करंट फ्लो करेगा तो कोर या फॉर्मर में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वह ईएमएफ अपोज करेगा किसका, अपोज करेगा किसका, अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, यानी उस कॉइल के फोर्स का अपोज करेगा। तो वहां पर जो डैम्पिंग प्रोड्यूस होगी वो डैम्पिंग होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है, वहां जो प्रोड्यूस होगी वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और एक लोगों ने सही आंसर भी दे दिया है, ये यूज होती है सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर में, यूज्ड इन, ये लिख लीजिएगा, यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, गैल्वेनोमीटर में यूज की जाती है, ठीक है, दिस इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर। जो कोर या फॉर्मर आपने बांध रखा है, जिस कोर या फॉर्मर पे आपने कॉइल बांध रखा है, उस कोर या उस कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से कोर या फॉर्मर में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वह ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि कॉइल का, कॉइल में करंट बहने का अपोज करेगा, और वहां पर जो डैम्पिंग प्रोड्यूस होगी वो डैम्पिंग आपकी कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्लियर, समझ में आ गया सभी लोगों को, क्लियर और नॉट? नेक्स्ट वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब टाइप्स ऑफ डैम्पिंग खत्म हो गया, डैम्पिंग टॉर्क खत्म हो गया है, नेक्स्ट वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दोस्तों मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, यहां पर अभी तक मैंने किसी भी चीज का पीडीएफ अभी तक नहीं दे पाया हूं मैं, तो मैं पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा, जितना मैंने अभी तक करा दिया है मशीन में, जितना करा दिया है मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की पीडीएफ दूंगा, बट अभी मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, मैं अभी घर पे था, घर से अभी अभी आया हूँ, फिर ठीक है, फिर उसके बाद कल की क्लास थी, सुबह ही आया हूँ, कल शाम की क्लास थी, और आज भी मेरी तबीयत ठीक होने की वजह से मैं कुछ टाइप नहीं कर पाया और ना ही मैं कुछ मटेरियल टाइप कर पाया। तो मैं आपको टाइप करके आपको पीडीएफ या कुछ क्वेश्चंस का सेट, जो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, उस क्वेश्चन का सेट आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी वाईफाई स्टडी ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आपको मैं इंफॉर्मेशन भी दूंगा प्रोवाइड कराने से पहले कि हाँ मैंने इसके पीडीएफ नोट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने वाईफाई स्टडी ऐप पर अपलोड कराए हैं। मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा, तब आप जाके देखिएगा और फिर मेरे से पूछिएगा कि अपलोड हुआ या नहीं, ठीक है। तो अभी तक जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज से लिख लो, ठीक है, यही कहूँगा कि आप लिख लीजिए और उसके बाद जो भी आपका छूटेगा मैं उसको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सुनिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस किसके वजह से प्रोड्यूसर आए, बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रिंसिपल लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टैटिक, थर्मल, ईटीसी, अ पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। देखो मैं पहले ही बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्वांटिटी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्वांटिटी, जो आपको जो क्वांटिटी आप दे रहे हो उसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ये सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में पॉइंट लिख लीजिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल ड्यू टू, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, या उस क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है जिसके प्रोपोर्शनल में आपको मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल करंट आपने मेजर किया तो आपका करंट 5 एम्पियर अगर आपने बढ़ाया तो उतना ही आपका एंगल बढ़ेगा, यानी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, कह सकते हैं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है जिस क्वांटिटी में आप
किसी भी क्वांटिटी को वेरी करा रहे हैं, जिस क्वांटिटी में आप किसी भी क्वांटिटी को वोल्टेज हो या करंट को उसको वेरी करा रहे हैं, उसके प्रोपोर्शनल में आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्लियर? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी सुनिए। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क इज यूज्ड टू कीप द पॉइंटर एट बैलेंस पोजीशन वेयर बोथ एंड कंट्रोलिंग एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज बैलेंस्ड जीरो। ध्यान से सुनो, कंट्रोलिंग टॉर्क इज यूज्ड टू कीप द पॉइंटर at balance condition where both controlling torque and deflecting torque are equal। जहां पर दोनों इक्वल होते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जहां पर दोनों इक्वल होते हैं वहां पर पॉइंटर बैलेंस होता है, और उस बैलेंस पोजीशन में जो टॉर्क लगता है वो कौन सा टॉर्क है आपका? कंट्रोलिंग टॉर्क है। उस बैलेंस पोजीशन में जो टॉर्क लगता है आपका वो कौन सा टॉर्क है? कंट्रोलिंग टॉर्क है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी लोगों को या नहीं? फटाफट बताओ, स्टूडेंट सारे यहां से भागते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो शायद उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, अभी ये क्लास बंद करनी पड़ेगी। चंचल कुमार, बहुत ही स्पीड से पढ़ा रहा हूं। अच्छा, कितने लोगों का कहना है कि बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं मैं? एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैं एवरेज स्पीड से पढ़ा रहा हूं, ना बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं ना बहुत ज्यादा धीमा पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट सुनो इसका। नेक्स्ट पॉइंट द पॉइंटर मूव्स टू जीरो पोजीशन। अगर पॉइंटर पे कोई भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं रहा तो वो जीरो पोजीशन में मूव कर जाएगा। द पॉइंटर मूव टू जीरो पोजीशन इफ देयर इज नो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं रहा तो पॉइंटर कहां पर मूव कर जाएगा? जीरो पोजीशन पर मूव कर जाएगा, ठीक है? अगर पॉइंटर पे कोई भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं लगा तो वहां पॉइंटर जीरो पोजीशन पर मूव कर जाएगा, ठीक है? अब कंट्रोलिंग टॉर्क के टाइप सुनो। कंट्रोलिंग टॉर्क दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी कंट्रोल। कितने टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क यूज होते हैं मैं आपको पहले ही बता रहा था अभी। टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, तो सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। कितने टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क यूज होते हैं? तो पहला है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। अब देखो यहां पर ग्रेविटी कंट्रोल क्या है। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट वो है जहां पर जिनको आप इंक डाल देना सर ग्रेविटी कंट्रोल वो इंस्ट्रूमेंट है ग्रेविटी कंट्रोल वो है जहां पर पॉइंटर पे आप बैलेंस करने के लिए एक स्मॉल वेट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए क्या कर देते हैं? पॉइंटर के नीचे एक स्मॉल वेट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट कहां पर यूज किए जाते हैं? ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली माउंटेड, जिनको आप वर्टिकली किसी चीज पर लगाते हैं, सरफेस पर, दीवार पर या कहीं पर, वहां पर यूज किए जाते हैं, ठीक है? ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट कहां पर यूज किए जाते हैं? वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज किए जाते हैं, ठीक है? ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स कहां पर यूज किए जाते हैं? वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज किए जाते हैं। ध्यान से सुन लो, a small weight is kept nearer to the pointer, pointer के pointer से ही
नियरर नहीं इज अ स्मॉल वेट स्केप टू द पॉइंटर, पॉइंटर पे एक स्मॉल वेट लगा दिया जाता है, पॉइंटर पे ही एक स्मॉल वेट लगा दिया जाता है। अब फिगर देखो, ध्यान से सुनो इसका फिगर। ये आपकी स्केल है, स्केल एस, ये आपका पॉइंटर है और इस पॉइंटर से ही आप स्मॉल वेट, ये देखो आपने स्मॉल वेट लगा दिया और बैलेंस करने के लिए एक और वेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका है, दिस इज फॉर बैलेंस्ड, बैलेंस्ड वेट, बैलेंस्ड पोजीशन के लिए यानी बैलेंस्ड वेट, एंड दिस स्मॉल वेट इज केप्ट टू कीप द पॉइंटर इन अ फिक्स्ड पोजीशन, स्मॉल वेट। इसको मान लो W, इसकी लेंथ है L, ठीक है, इसकी लेंथ है L, क्या रख दिया, एक स्मॉल वेट लगा दिया, कहां पर लगा दिया, पॉइंटर पे लगा दिया, स्मॉल वेट इज केप्ट टू द पॉइंटर और मूविंग सिस्टम, जो मूविंग सिस्टम है आपका उस पर एक स्मॉल वेट लगा दो। देखो यहां पर दिख रहा है सभी लोगों को, ये समझ में आ रहा है, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का ये फिगर है, क्लियर है या नहीं। वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट पर लगाते हैं, वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट पर लगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोगों को ये फिगर दिख रहा है। अब देखो, व्हाट इज द कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एल साइन थीटा, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एल साइन थीटा, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइन थीटा। स्केल इज नॉन लीनियर, इसकी स्केल कैसी होती है, नॉन लीनियर स्केल होती है। अब ध्यान से सुनो, कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज कर रहे हो, एक ग्रेविटी कंट्रोल यूज कर रहे हो, डब्ल्यू एल साइन थीटा, ठीक है। कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज कर रहे हो, ग्रेविटी कंट्रोल यूज कर रहे हो, वह कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू एल साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब यहां से यहां पर ध्यान देना, ठीक है। मैंने बोला था कि बैलेंस पोजीशन पर एट बैलेंस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है या नहीं होता, बताओ इधर। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है। अब यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है करंट आप दे रहे हो, सो टीडी इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिएगा, टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया केवन आई, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया केवन आई। कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एल साइन थीटा, और कंट्रोलिंग टॉर्क अगर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो डब्ल्यू एल साइन थीटा इंटू हो जाएगा के टू, डब्ल्यू एल साइन थीटा इंटू के टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इन पहली और इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को बराबर रख दो, के वन आई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एल साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई के टू, और आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कि I is proportional to sin theta, जो आपका I है वो किसके proportional है, sin theta के proportional है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि sin theta is equals to k1 I divided by W into L into k2, यानी कि theta बराबर क्या हो जाएगा, sin inverse of k1 I, साइन इनवर्स ऑफ के वन आई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल इंटू के टू। कहने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा जो प्रोपोर्शनल है वो साइन इनवर्स है, और वो साइन इनवर्स है किसका, करंट आई का। स्केल कैसी है ग्रेविटी कंट्रोल की, स्केल नॉन लीनियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, स्केल कैसी है, स्केल नॉन लीनियर स्केल है। क्लियर हो गया सभी लोगों को या नहीं, अब बताओ फटाफट, क्लियर हो गया या नहीं सभी लोगों को, बताओ फटाफट दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है, 176 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट लगभग गायब हो चुके हैं मुझे लग रहा है, नेक्स्ट क्लास में मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। थोड़ा सा बस यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर लाइक कर दोगे शेयर कर दोगे तो आप ही का बेनिफिट होगा, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, शेयर करने से आप ही का बेनिफिट होगा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, यही इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा
बताओ मत इस किसी को, अपने क्लास के जो स्ट्रेंथ है, अपनी क्लास की जो स्ट्रेंथ है आपकी, आपके बीटेक के साथ के स्टूडेंट होंगे, आपके डिप्लोमा के साथ के स्टूडेंट होंगे, उनको लिंक शेयर कर दीजिए। लिंक जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट होंगे इस क्लास में, ठीक है। मैं वैसा ही सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं जैसा एग्जामिनेशन में पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। और अभी तक आप देख चुके होंगे कि जो जो मैंने अभी तक बताया वो आपका DFCCIL एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने DFCCIL के एग्जाम से पहले ये चीज़ें नहीं बताई क्योंकि ये सब्जेक्ट सीक्वेंस में चल रहा है, तो सीक्वेंस में बताना मैंने ज़्यादा जरूरत समझा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लासेस बंद नहीं हुई अगर तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की स्केल कैसी होती है? नॉन लीनियर स्केल होती है। मेरी तबीयत सही नहीं है उसके बाद भी मैं चिल्ला रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्केल नॉन लीनियर है। कैसे नॉन लीनियर स्केल है? आप देख सकते हैं कि जो थीटा है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है। साइनोसॉइडल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपका साइनोसॉइडल कोई भी क्वांटिटी होती है वो नॉन लीनियर होती है। लीनियर है क्या साइनोसॉइडल क्वांटिटी? तो साइनोसॉइडल जो क्वांटिटी है वो लीनियर नहीं है, ना नॉन लीनियर होती है। तो इसीलिए इसकी स्केल कैसी है? वो नॉन लीनियर स्केल है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? मैं बता चुका हूँ, वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज़ किया जाता है। अब मैं बताया आपको कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोपोर्शनल है वो डब्ल्यू एल साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? डब्ल्यू एल साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान देखो, मैंने बैलेंस पोजीशन पे हर एक इंस्ट्रूमेंट में, आने वाले हर एक इंस्ट्रूमेंट में मैं यही करूंगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर करूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉइंटर कहां पर बैलेंस होता है, किसी भी क्वांटिटी पर बैलेंस कैसे होता है, जब वो क्वांटिटी दोनों आपस में, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तभी आपका पॉइंटर स्टेबल होता है, तभी आपका पॉइंटर क्या होता है? स्टेबल होता है, यानी बैलेंस होता है। तो मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, वहां पर मैं आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करूंगा ही करूंगा, ठीक है। चलिए, क्लियर सभी लोगों को जो मैं बोल रहा हूं? नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग कंट्रोल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मोस्टली यूज्ड सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला, इट इज मोस्टली यूज्ड कंट्रोलिंग मेथड। इट इज मोस्टली यूज्ड कंट्रोलिंग मेथड, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कंट्रोलिंग मेथड है। और इसे हम इट इज़ यूज्ड इन हॉरिजॉन्टली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट, हॉरिजॉन्टली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर इसे यूज़ किया जाता है, हॉरिजॉन्टली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सभी दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, हॉरिजॉन्टली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किए जाते हैं और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कंट्रोलिंग मेथड है, ठीक है। अब देखो, यहां पर कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग पर एक पॉइंटर लगा होता है। हर एक स्प्रिंग की एक प्रत्यास्थता गुणांक होती है, पता है कि नहीं सभी लोगों को? इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट, प्रत्यास्थता गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? वाई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो अच्छा, आपको वो स्प्रिंग है, अब आप उस स्प्रिंग को अगर आप फैला दो, तो मान लो कि उस स्प्रिंग की मोटाई जो है, उस स्प्रिंग की जो मोटाई है वो है, थिकनेस जो है वो टी है, उस इंस्ट्रूमेंट की लंबाई जो है वो एल है, और उस इंस्ट्रूमेंट की जो चौड़ाई है वो है बी, ठीक है। उस स्प्रिंग को मैंने ऐसा करके अगर उसे एक्सपेंड कर दिया, अगर ऐसा बना दिया, तो आपका जो ये देख रहे हो ना, उस स्प्रिंग को ऐसा बना दिया, वो स्प्रिंग की जो थिकनेस है वो टी है, स्प्रिंग की जो चौड़ाई है वो बी है, और उस स्प्रिंग की जो लंबाई है वो एल है। तो जो टी सी होगा वो टी सी क्या होगा? टी सी होगा ई बी इंटू टी क्यूब अपॉन 12 एल इंटू थीटा। यहाँ पर ये कंट्रोलिंग टॉर्क का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा,
यहां पर आपको कंट्रोलिंग टॉर्क का फार्मूला याद करना पड़ेगा. उस कंट्रोलिंग टॉर्क का फार्मूला है TC is equals to E into B into T cube divided by 12 into L, 12 into L. अब यहां पर E क्या है? E यहां पर ध्यान दीजिएगा, E है आपका इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. E है आपका यंग मॉडुलस ऑफ, E है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा. बी है आपका स्प्रिंग की विड्थ, स्प्रिंग विड्थ, स्प्रिंग विड्थ किस में होती है? नेक्स्ट टी, टी है आपका थिकनेस ऑफ स्प्रिंग. मैं पहले ही बता चुका हूं टी इज थिकनेस ऑफ स्प्रिंग. एल है आपका लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग. और कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है? कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल है, यानी TC इज प्रोपोर्शनल टू, TC इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं K थीटा. TC इज इक्वल्स टू K थीटा, वेयर इज K इज कॉल्ड स्प्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट, स्प्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट. आपको ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, स्प्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट कहा जाता है किसको? किसको? आपका K को. ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? यहां पर सभी लोगों को समझ में आ गया? क्लियर और नॉट? क्या है कंट्रोलिंग टॉर्क? TC इज इक्वल्स टू ई बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12L इंटू थीटा. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू, मैंने अभी भी बताया, सपोज करो कि आप करंट मेजर कर रहे हो, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है आपका TD इज इक्वल टू K1I. सो एट बैलेंस, बैलेंस कंडीशन में, एट बैलेंस TD इज इक्वल्स टू TC. TD क्या है आपका? K1I. और TC क्या है आपका? K थीटा. तो आप क्या देख रहे हो? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I. क्या देख रहे हो? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी स्केल कैसी है? स्केल इज लीनियर. स्केल कैसी है? लीनियर. अब वहां पर स्केल नॉन लीनियर है. अब लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब समझिए क्या है. स्केल लीनियर और स्केल नॉन लीनियर होने का क्या मतलब है, ध्यान से समझो. स्केल कैसी है, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना. स्केल लीनियर और नॉन लीनियर होने का क्या मतलब है, इस चीज को ध्यान से समझो. देखो, एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये दो टाइप की स्केल में बना रहा हूं. ठीक है, ये देखो, अब यहां पर क्या है कि जीरो यहां पर है और उसके बाद इक्वल डिविजन है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ इक्वल डिविजन है. और यहां पर जीरो है, उसके बाद ये जीरो हो गया, ये 0.5, इट इज वन एक्चुअली, इट इज 0.1. इसे 0.5 कर दो, इसे 1 कर दो, इसे 1.5 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 2.5 कर दो. ठीक है, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6. अब देखो, इधर पॉइंटर यहां पर है 0 पर और एक पॉइंटर यहां पर है 0 पर. सपोज करो अगर आप 0.5 एम्पियर या 1 एम्पियर मेजर करते हैं, तो इक्वल डिवीजन होने पर, इक्वल डिवीजन की वजह से अगर आप 0.5 एम्पियर मेजर कर रहे हैं, तो इसका देखिए थीटा और इसका देखिए थीटा. ये 0 एम्पियर है यहां पर और इसका थीटा देखिए. किसका थीटा आपको स्मॉल नजर आ रहा है, या चलो 1 की मान लेते हैं. 1 एम्पियर अगर आप मेजर करते हो, 1 एम्पियर आप अगर किसी मीटर में 1 एम्पियर मेजर करते हो, तो थीटा लीनियर स्केल ये है जिसमें इक्वल डिविजन्स होते हैं. लीनियर स्केल वह स्केल कहलाती है जिसमें इक्वल डिविजन्स होते हैं और अनइक्वल डिविजन्स हैं. स्टार्टिंग के जो टू, स्टार्टिंग के टू तक है उसमें अनइक्वल डिविजन्स हैं. अनइक्वल डिविजन्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है. अनइक्वल डिविजन की वजह से अगर आप 1 एम्पियर मेजर करते हैं, 1 एम्पियर, इसका थीटा देखिए और इसका थीटा देखिए. किसका थीटा लार्ज है? इसका थीटा लार्ज है, इसका थीटा स्मॉल है. सेंसिटिविटी बराबर, मैंने बताया था, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट. अगर थीटा कम हुआ, थीटा कम हुआ, उसकी वजह से सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर थीटा ज्यादा हुआ तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी. तो यानी कह सकते हैं कि लीनियर स्केल की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है जिसमें अनइक्वल डिविजन्स होंगे. जिसमें अनइक्वल डिविजन्स होंगे वह स्केल आपकी कैसी कहलाएगी? नॉन लीनियर स्केल कहलाएगी, जिसे हम क्रैम्ड स्केल भी बोलते हैं. क्रैम्ड स्केल
भी बोलते हैं. अनइक्वल डिवीजन जो है, अनइक्वल डिवीजन तक की स्केल को हम क्रैम्ड स्केल भी बोलते हैं और इसे हम नॉन लीनियर स्केल भी बोलते हैं, नॉन लीनियर स्केल भी बोलते हैं. और जिसमें इक्वल डिवीजन होंगे वह कहलाएगी आपकी लीनियर स्केल. वह क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर स्केल कहलाएगी. तो सभी लोगों को यहां तक समझ में आया या नहीं, लीनियर स्केल एंड नॉन लीनियर स्केल सभी लोगों को समझ में आया या नहीं, फटाफट बताओ. ये तो था हमारा आज का सेशन, जो पीएमएमसी का बेसिक सेशन था. उसके बाद अभी हम आगे इसी पे पीएमएमसी से शुरुआत करेंगे. टॉर्क यहाँ पर मैंने खत्म कर दिए हैं, डैम्पिंग मेथड्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है. उसके बाद मैंने ये कंट्रोलिंग टॉर्क भी बता दिया कि कंट्रोलिंग टॉर्क कितने टाइप के होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल. ग्रेविटी कंट्रोल आपका नॉन लीनियर है, स्प्रिंग कंट्रोल आपका लीनियर है, स्केल चूंकि लीनियर है. ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स आपका वर्टिकली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज किए जाते हैं और आपका जो स्प्रिंग कंट्रोल है वो आपका हॉरिजॉन्टली माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज किया जाता है, ठीक है. समझ में आया है नहीं? जी हाँ. क्रीप यार एनर्जी मीटर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है. क्रीपिंग तभी जब मैं एनर्जी मीटर पढ़ाऊंगा तभी समझ में आ जाएगा आपको. स्वदेश दहिया जी नो 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 करे जा रहे हो. क्या नो, क्या नो? पता है जैक किंग डीएफसीसीएल का पेपर मस्त आया था. नॉन लीनियर स्केल एक बार फिर से बता दूं, नॉन लीनियर स्केल आपकी वो स्केल होती है जो क्रैम्ड स्केल होती है, यानी अनइक्वल डिविजन्स होते हैं. ये देखो यहाँ पर देखो, जीरो से लेके एक तक के बीच में चार डिवीजन है, फिर उसके बाद 0.5 का डिवीजन, फिर चार डिवीजन है, फिर वन का डिवीजन. और यहां से देखो आप 0 से 0.5 के बीच में, यहां वन ले लो या 0.5 ले लो, तो आपका 0 से 0.5 के बीच में 0 से लेके पूरा यहां से स्केल और फुल स्केल वैल्यू तक इक्वल डिवीजन होंगे. 0 से लेके 2.5 तक इक्वल डिवीजन होंगे और यहां से 0.5 के बीच में अनइक्वल डिवीजन होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है. तो अनइक्वल डिवीजन ही आपकी क्रैम्ड स्केल कहलाती है या नॉन लीनियर स्केल कहलाती है, बस ये ध्यान देना ना. देखो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है, सेम हो गया है, बट यहाँ थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है. ये 1 ले सकते हो आप, ये 1.5 ले सकते हो, ऐसा करके समझो कि यहाँ पर थीटा ज्यादा होगा क्योंकि इक्वल डिवीजन है और यहाँ पर थीटा कम होगा क्योंकि अनइक्वल डिवीजन है, ठीक है. थीटा ज्यादा होगा क्योंकि आपका इक्वल डिवीजन है लीनियर स्केल में और थीटा कम होगा अनइक्वल डिवीजन की वजह से नॉन लीनियर स्केल में, ठीक है. क्लियर? चलो अभी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. फिगर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं करेक्ट फिगर नेक्स्ट क्लास में एकदम एग्जैक्ट फिगर बनवा दूंगा. यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से आपका ही फायदा होगा. लाइव स्टूडेंट ने कम स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए. 47 लाख अप्रोक्सीमेटली इसके सब्सक्राइबर हैं, तो थोड़ा तो समझो यार कि 47 लाख बच्चों में सिर्फ 200 बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, तो ये डिसएडवांटेज आपको दूर करना पड़ेगा, यही कहूंगा, ठीक है. सिविल इंजीनियरिंग की क्लास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है शान खान जी, ठीक है. बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. नेक्स्ट क्लास में मशीन और मेजरमेंट के एक अच्छे सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपकी. नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. तब तक अगर डीएफसीसीएल का क्वेश्चन पेपर आ गया, आंसर शीट आ गई, तो उसके एनालिसिस भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितना आसान आया था और कितना आसान पेपर हो सकता है. आपको मैं वर्स्ट सिचुएशन की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है. एक वर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आ सकता, तो वर्स्ट कंडीशन के हिसाब से प्रिपेयर करा रहा हूँ. बस उस हिसाब से प्रिपेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे संडे होगी, ठीक है. नेक्स्ट सैटरडे संडे आपकी होगी नेक्स्ट क्लास. तो चलिए तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए यार, बस यही है ज़िंदगी. पढ़ते रहो, बिना टेंशन के पढ़ते रहो. आने वाले एग्ज़ाम्स की, हर आने वाले एग्ज़ाम्स की फोर्स एकदम 100% होता है ना आपका, आप 200% 300% लगा दीजिए. जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो डबल मेहनत कीजिए, डबल मेहनत कर देने से एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है. तो जिस समय एग्ज़ाम आने वाला रहे उस समय डबल मेहनत कर दो, और जिस समय एग्ज़ाम आपका नहीं रहे आप नॉर्मल जितना तैयारी कर सकते हैं 4 से 6 घंटे उतना पढ़ते रहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना आपकी सेहत के लिए लाभकारी है. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखना, उल्टे सीधे वीडियोज़ देखना, वो आपकी सेहत के लिए लाभकारी नहीं है. तो जो सेहत के लिए लाभकारी है उसको ही फॉलो करो, यही कहूँगा. तो चलिए तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन.